अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन? फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब क्या है? फॉरेन कोलैबोरेशन में क्या है? ज्वाइंट पार्टिसिपेशन बिटवीन द इंडिजिनस फर्म एंड द फॉरेन गवर्नमेंट, ज्वाइंट पार्टिसिपेशन बिटवीन द फॉरेन फर्म एंड द इंडियन गवर्नमेंट, ज्वाइंट पार्टिसिपेशन बिटवीन द फॉरेन एमएससीज एंड द इंडियन पीएसयू, ज्वाइंट पार्टिसिपेशन बिटवीन द फॉरेन पीएसयू एंड इंडियन पीएसयू। पहली बात तो आपको मैं बात करूं, हमारे भारत देश में फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब ही ये होता है, अगर हमारे देश की फॉरेन एमएससी यानी कि विदेश की फॉरेन एमएससी और हमारा इंडिया का पीएसयू अगर आपस में मिलकर काम करते हैं, ज्वाइंट पार्टिसिपेशन बिटवीन द इंडियन एंड द फॉरेन कंपनी। पहली बात तो अब आप बहुत सारे बच्चे पता क्या कह रहे हैं, इसमें आपका आंसर क्या है ना, पहली बात तो वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ नहीं करते, समझ आया, वो इंडियन कंपनी के साथ करते हैं, ना के इंडियन गवर्नमेंट के साथ करते हैं, ये याद रखना है आपको। फॉरेन कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है जहाँ पे दो कंपनियां आके आपस में मिलती हैं, एक फॉरेन वाली कंपनी एक भारत वाली कंपनी, तो दैट इज कॉल्ड आपका फॉरेन कोलैबोरेशन। जो बच्चे बी आंसर कह रहे हैं वो गलती कहां पे कर रहे हैं, मैंने आपको बता दी, और यहाँ पे भी गवर्नमेंट वर्ड आ गया है आपका, ये नहीं बनेगा। और फॉरेन की पीएसयू थोड़ा कहेंगे हम, फॉरेन की पीएसयू आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। छोटे वर्ड्स के ऊपर ही, छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर भी कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर ही पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जो है बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु द्वारा कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरियल डिजीज इनमें से कौन सी? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है, क्लियर, आपकी पैरेटल ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है, ये भी आपकी क्या है, वायरल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जिनर ने खत्म करी थी, ये वायरल डिजीज है, चिकन पॉक्स ये भी वायरल है आपका, पोलियो वायरल है, हाइड्रोफोबिया जिसे हम रेबीज कहते हैं, कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है और पानी से डर लगने लग जाता है, तो ये सारी चीजें क्या है आपकी, वायरल डिजीज है, इनमें से कोई भी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज, सारी की सारी क्या है आपकी, वायरल डिजीज, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये है जी बैक्टीरियल डिजीज, जैसे कि फ्लैश ईटिंग डिजीज, स्टेफ इंफेक्शन, मेनिनजाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, डायसेंट्री, सो दीज आर द बैक्टीरियल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी एंगल लाइक ऑपरेटर है जरूरी नहीं है कि ऊपर ऑपरेटर, इसलिए इसको पहली बात मौर्य वंश का संस्थापक है, इसने हराया था नंद वंश के, नंद वंश को हराया था और नंद वंश के राजा धनानंद को हराया था, धनानंद को हराया था, इसकी मदद से प्राइम मिनिस्टर कुटिल्या को आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और इंडियन माइकेवेली के नाम से भी इनको जानते हैं, इंडियन माइकेवेली, इन्होंने पुस्तक लिखी थी दैट इज अर्थशास्त्र, जो कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पुस्तक है। आप चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट सांस कहां पे, एक्चुअली क्या था, नॉर्थ इंडिया में थे और नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आ चुकी थी, तो क्या हुआ, जो जैन धर्म के अनुयायी हैं तो उनमें एक जो लीड कर रहे थे वो थे भद्रबाहू अपने लोगों को लेकर साउथ इंडिया चले जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो वापस नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग साउथ इंडिया चले जाते हैं। साउथ इंडिया जो चले जाते हैं उनको हम लोगों को क्या कहते हैं, दैट इज दिगंबर कहा जाता है, दिगंबर, और साउथ इंडिया जाने वाले लोगों को कहते हैं, और जो हमारे नॉर्थ इंडिया में ही रह जाते हैं और वो कहते हैं श्वेतांबर कहा जाता है, श्वेतांबर, और ये किसके अंदर रह गए थे, थलभद्रा के अंतर्गत रहे थे, और श्वेतांबर जो होते हैं ये व्हाइट कपड़े पहनते हैं और ये जो होते हैं दिगंबर, ये नगर रहते हैं, नेकेड रहते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से चला गया था बज्र,
बाहू के साथ, जब बज्रबाहु के साथ चले गए थे तो ये यहाँ पे उन्होंने चंद्रगिरी हिल्स, चंद्रगिरी हिल्स के ऊपर तपस्या करी और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है। और ये कहाँ थे? कर्नाटक में, दैट इज इन द श्रवण बेल गोल के राइट वन। आंसर नंबर सी जी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर सी क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ है नालंदा, नालंदा महावीरा किसने बनाई थी? कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त ने बनवाई, गुप्ता वंश के राजा। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बिहार में देखने को मिलती है। बिहार में एक यूनिवर्सिटी और है आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी बुद्धिस्ट लिटरेचर के लिए, बुद्धिस्ट धर्म के लिए थी आपकी, जो की बनाई थी धर्मपाल। और इन दोनों यूनिवर्सिटी को तोड़ फोड़ करके कौन चला गया था? दैट इज बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था इस चीज को। बख्तियार खिलजी कमांडर इन चीफ है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये याद रखने वाली बात है, श्रवण बेल गोल इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला आंसर है एरिया ऑफ ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था, रेवोल्यूशन हर चीज के लिए रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, सौ तरह के रेवोल्यूशन हुए हैं। इसमें देखते हैं तो क्या ऑयल सीड्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो येलो रेवोल्यूशन आपका स्पेक्ट्रम पैदा होता है, उसको ठीक है। फिश की बात करता हूँ तो ब्लू रेवोल्यूशन आपका, कॉटन की बात करता हूँ तो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आपका, क्लियर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपका ब्लैक रेवोल्यूशन नंबर डी। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूँ, फिश की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। फिश के पालने को हम क्या कहते हैं? समझ आया? कॉटन हमारे इंडिया में सबसे पहले उगाई गई थी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के टाइम पे, याद रखने वाली बात है। कॉटन के लिए आपको रेगुलर सॉइल चाहिए होती है, दैट इज ब्लैक सॉइल, जिसमें वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही वाटर रिटेंशन हो जाता है तो क्रैक्स पड़ने भी लग जाते हैं उस मिट्टी के ऊपर, याद रखनी है आपको बातें। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ब्लैक इज फॉर पेट्रोलियम, ब्लू इज फॉर फिश, ब्राउन इज फॉर लेदर प्रोडक्ट्स, गोल्डन जो है हॉर्टिकल्चर, गोल्डन फाइबर जो है फूड के लिए, और ग्रीन इज फॉर द जो है फूड ग्रेन के लिए ग्रे फर्टिलाइजर, पिंक इज फॉर द प्रॉन एंड ऑनियन, रेनबो एवरग्रीन फॉर द ओवर डेवलपमेंट, रेड इज फॉर टोमेटो मीट, ब्राउन इज फॉर टोमेटो, सिल्वर इज फॉर एग प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर इज फॉर कॉटन, व्हाइट इज फॉर मिल्क, एंड येलो इज फॉर ऑयल सीड। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है आपका, जो आज आपने देखा होगा आजकल सोसाइटी में हमारा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वर्ड बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। यस जी, ऑर्गेनिक वर्ड बहुत ज्यादा सुने होंगे कि हाँ ये ऑर्गेनिक चीजें खाते हैं या खा लेना चाहिए या वगैरह वगैरह। हमने बात भी करी है कि हमारे फर्स्ट स्टेट जो है ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी बनी थी, दैट वाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, दैट वाज द दैट इज द सिक्किम, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फीचर्स हैं वो देखिए। पॉइंट नंबर 1, यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर टू ओवर द सॉइल फर्टिलिटी, गलत हो गया। केमिकल फर्टिलाइजर तो हम यूज नहीं करते। जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो पहला इंक्रीज करने में मदद करते हैं, ये तो आपका सही है। हायर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, ये गलत है। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, चीज महंगी होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी उस चीज में, लिमिटेड चीजें प्रोड्यूस होगी, लेकिन चीजें महंगी होगी, दाम बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आपका आंसर क्या बनेगा? सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, नंबर सी।
दैट इज सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द करेक्ट आंसर. सेकंड एंड थर्ड क्लियर हो गया. चलिए अगला आंसर. मेजरमेंट कंसर्टेंटी प्रिंसिपल. शाबाश बहुत बढ़िया आंसर दीजिए. ज्यादा से ज्यादा आंसर दीजिए. शाबाश. पार्टिकल हैविंग सिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड डज नॉट ओबे पॉलीएक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कॉल्ड. सेकंड एंड थर्ड ओनली. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये आप लोगों ने पहले से. यही आप गलती करते हैं पेपर में. आप जल्दबाजी में आंसर टिक कर लेते हैं और वहां पर गलत हो जाता है. पेज नंबर 1 देखिए. इन द कंटेंट ऑफ वेल्स कंट्रोल करने ये कहते हैं समुद्र गुप्त को कहा जाता है. समुद्र गुप्त को किसने बोला था? नेपोलियन ऑफ इंडिया ने बोला था. ये इसको कविराज के नाम से भी हम जानते हैं. इसको समुद्रगुप्त को और सिक्के के ऊपर बीना बजाते हुए पिक्चर्स किसकी है? समुद्रगुप्त की है. समुद्रगुप्त की एक इंस्क्रिप्शन है प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जिसे हम अलाहाबाद इंदर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं. वो समुद्रगुप्त के ऊपर देखने को मिलती है आपके. और ये किसकी है? हरिसेन. हरिसेन की इंस्क्रिप्शन है. लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको. पेपर में पूछा जाता है मेन समुद्रगुप्त का नाम आता है लेकिन पेपर में पूछ लेते हैं कि तीन राजाओं के नाम लिखे हुए हैं और तीन वंश के नाम लिखे हुए हैं. कौन कौन से? देखिए समुद्रगुप्त का नाम आ गया गुप्ता वंश से. और ऐसे ही यहाँ पे अशोक का नाम भी लिखा गया है. यहाँ पे अशोक जो है मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं. और यहाँ पे जहांगीर का नाम भी लिखा गया है. जहांगीर याद रखने वाली बात है. ये तीनों के नाम यहाँ देखने को हमें मिले हैं. क्लियर हो गया आप लोगों को? जो है ना एक चंद्रगुप्त की बात करते हैं. अगर आपसे पेपर में पूछता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्त वंश तो आप आंसर क्या देंगे? श्री गुप्त. एंड हु इज द रियल फाउंडर? रियल फाउंडर इज चंद्रगुप्त. रियल फाउंडर चंद्रगुप्त और जिन्होंने महाराज अधिराज का टाइटल भी लिया. क्लियर हो गया. कुमार गुप्त मैं आपको बता चुका हूँ. ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी. चंद्रगुप्त जो बाहर के लोग थे बाहर नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट व्हाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लोज टू द ईस्ट. जो नर्मदा रिवर है आपकी वो पश्चिम में बहती है लेकिन जितनी भी बड़ी नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया है प्राइम द्वीप भारत की नदियां हैं दक्षिण भारत की नदियां हैं इसमें बहती हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब नर्मदा रिवर स्टार्ट होती है अमरकंटक प्लेटू से स्टार्ट होती है ये और गुजरती है विंध्याज और सतपुरा के बीच में से गुजरती है. यहाँ पे फॉल्ट आती है. फॉल्ट का मतलब क्या है? जो अर्थ की मूवमेंट अर्थ टूटती है यहाँ से फॉल्ट लाइन बन जाती है. जब लाइन बन जाती है फॉल्ट बन जाता है और फॉल्ट बनाती है आपका दैट इज ब्लॉक माउंटेन का पार्ट बनाती है रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है जिसके कारण जो नर्मदा है वो पश्चिम में फ्लो करती चली जाती है. जितनी भी दक्षिण भारत की नदियां हैं वो ईस्ट में इसलिए फ्लो करती है क्योंकि उनके मतलब क्योंकि जो स्लो है वो उधर की साइड पे है. और प्लस दूसरी बात यहाँ पे है कि वहाँ पे फॉल्ट नहीं है कि वो अरब सागर में गिर जाए. नर्मदा रिवर जो होती है ये गिर जाती है गल्फ ऑफ अंबार में
जिसके कारण वहाँ पे वेस्ट में फ्लो करती है सही है ये फ्लो करते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बट ये आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये एक्सप्लेनेशन गलत है कि इसके कारण जो है वो वेस्ट में गिरती है ये गलत है द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया ये भी गलत है ये भी पॉइंट गलत है ये कोई ऐसा नहीं कि स्लोप बनी हुई है फॉल्ट बना हुआ है फॉल्ट बनाती है रिवर नर्मदा जिसके कारण वो पश्चिम में बहती है ऐसा नहीं कि स्लोप ही सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर आंसर नंबर क्या बनेगा वन ओनली इज द क्लियर हो गया आप लोगों को नर्मदा रिवर के ऊपर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये बनाती है जबलपुर के अंतर्गत मार्बल फॉल धुआंधार फॉल के नाम से भी धुआंधार क्लियर यार क्लियर कर सकते आंसर बताओ आंसर शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेड डेटा बुक जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये घोषित करते हैं ये किस लिस्ट में आता है ये जो IUCN है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है लैंड दैट इज इन द स्विट्जरलैंड अब इसके लिए रेड लिस्ट घोषित करी जाती है रेड डेटा बुक घोषित करी जाती है और रेड डेटा बुक के अंतर्गत हम बात क्या करते हैं जितने भी आपके थ्रेटन प्लांट्स और एनिमल्स इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करी जाती है बाकी देखते हैं पॉइंट क्या है एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ये गलत है थ्रेटन्ड प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज ये सही है प्रोटेक्टेड साइट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नहीं प्रोटेक्टेड साइट के बारे में कुछ भी नहीं होता यहाँ पे तो आंसर इसमें क्या बनेगा सेकंड तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका सेकंड ओनली इज द करेक्ट सिर्फ और सिर्फ थ्रेटन्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करता है ये रेड डेटा बुक क्लियर हो गया आप लोगों को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया थक गए हो बस इतने में थक गए हो बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं आराम आराम से पढ़ना है हमने क्लास बहुत लंबी है आज की ठीक है आराम से पढ़ें आराम से बिल्कुल बहुत जल्दबाजी मत करके आंसर दीजिए दिल्ली अभी दूर है आपकी ठीक है क्लास अभी बहुत दूर है खत्म होने के लिए तो आराम से पढ़ते रहो ट्रॉफीज के बारे में बात कर रहे हैं इनमें ट्रॉफी एक ट्रॉफी दूसरे ट्रॉफी से मतलब अलग है वो तो कौन सी ट्रॉफी सेम है दुरंग कप की बात करूँ तो ये फुटबॉल के साथ संबंधित है रंगा स्वामी कप की बात करूँ तो ये हॉकी के साथ संबंधित है संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के साथ और रोबर्ट कप अगेन फुटबॉल तो डिफरेंट कौन सी होगी आपकी रंगा स्वामी आंसर नंबर बी इज द करेक्ट रंगा स्वामी कप इज फॉर द हॉकी फॉर द हॉकी अगला बताओ अगला बताइए शाबाश खाना नहीं खाया भाई तू खाना ही खा गया ठीक है तू खाना ही खा गया और खाना खा और तब तक दो चार स्नैक्स हो जाएंगे तुम्हारे लिए ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी लॉस इंडिया एक्सपीरियंस एक्सेसिव कोल्ड तुम्हें ये नहीं समझ आता यार मैं लगा पड़ा हूँ यहाँ पे पढ़ाने के लिए तुम्हें खाने के लिए समझ नहीं आ रहा कि जब तुम खाना खा के बैठा करो पहले ये चीजें तुम्हें क्लास में नहीं आ रही वैसे तुम्हें खाने खाने का टाइम है सारा क्या करेगा ये तुम अपने मतलब उसमें बात करते हो स्टूडेंट हो स्टूडेंट को तो वैसे एक्टिव रहना चाहिए 7 बजे खाना खाओ 8 बजे खाना खा के चुप कर लो
ब्राइट लूम्स होते हैं ड्यूरिंग दिसंबर एंड जनवरी नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंस द एक्सेसिव कोल्ड वेदर जाने के दिसंबर और जनवरी में उत्तर भारत में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है और बारिश भी होती है यहाँ पर इसका रीजन क्या है नंबर 1 एरिया बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बिल्कुल सही समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है इसीलिए महाद्वीपीय जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है ऑप्शन आपका क्या बन गया आपका आंसर पॉइंट नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर यस पॉइंट नंबर 1 इज द राइट दूसरा देखिए क्या कहता है The cold winds coming from the Caspian Sea and Turkmenistan brings cold cold waves over the northern part of the India. ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। The low pressure develops over नहीं, low pressure develop नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे high pressure जमा होता है, temperature कम होता है, pressure ज़्यादा बढ़ता है। ये आपका सही है पॉइंट। So 1, 2, 4 is the right answer. वहाँ पे ऑप्शन ये 1, 2, 4 ये है। C ऑप्शन बनेगा करेक्ट। 1, 2, 4 is the right one. ऑटोमेटिकली जो है ना वो नाइट स्विच के अंदर ऑन हो जाते हैं और इसके अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के तौर पर जो है ना उसके बाद ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और इनकी जगहें हैं ये कहाँ पे देखने को मिले कर्नाटक में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कैगा जो है आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये देखने को मिलता है तमिलनाडु की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे दैट इज कुंदनकुलम सबसे पहले तो हमें एंड गेट उत्तर प्रदेश में नरोड़ा ये बनेगा 1 गुजरात में काकरा पास ये बनेगा 3 तो 2, 4, 1, 3 इज द करेक्ट आंसर 2, 4, 1, 3 कौन सा नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 2, 4, 1, 3 इज द राइट आंसर नंबर बी 2, 4, 1, 3 अगला बताइए भगवान बुद्ध के चार नोबल ट्रुथ के बारे में बात करता है चार नोबल ट्रुथ उनकी कौन कौन सी गौतम बुद्ध जी ने बात करी क्या थी कि संसार में दुख है संसार में दुख तो है उसका एक कारण भी है और वो कारण क्या है आपकी इच्छाएं तो इच्छाओं को खत्म करो और धर्म के रास्ते के ऊपर चलो धर्म चक्र परिवर्तन के रास्ते के ऊपर चलो दैट इज द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ के ऊपर चलो तो ये इन्होंने बात करी मतलब देर इज ए सफरिंग पहला तो पॉइंट आपका बनेगा सही देर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग फिर बनेगा 1, 2, 4 क्लियर एंड देर इज ए सेसेशन ऑफ द सफरिंग मतलब उसको खत्म भी किया जा सकता है एंड देर इज ए पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग दैट इज धर्म चक्र परिवर्तन सो 1, 4, 2, 3 1, 4, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए 1, 4, 2, 3 इज द करेक्ट वन 1, 4, 2 इसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस को कर ले इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन कलेक्टर की ठीक है अच्छा अंडमान निकोबार आइलैंड के अंतर्गत मतलब जो है ग्लेशियल हेरिटेज की बात आती है यहाँ पे तो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो लोग हैं अपने पीपल हैं वो डिफर कर रहे हैं एक से दूसरे से तो कौन कौन से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जराबाज जराबाज की बात करूँ की बात करूँ सेंटिनलीज की बात करता हूँ और हमने इनपुट इसके लिए जो है ग्रेट अंडमानीज की बात करता हूँ ये चार जो है जनजातियाँ चार जो जनजातियाँ हैं ये कहाँ पे रहती हैं अंडमान और ये निग्रिटो ट्राइब है निग्रोज फोर निग्रिटो ट्राइब देखने को आपको मिलती है यहाँ और ये जो शॉम्पेन है और निकोबारी ठीक है ये दो जनजातियां जो है आपकी निकोबार में देखने को मिलती है निकोबार के अंतर्गत देखने को क्लियर और ये जो दो जनजातियां हैं ये मंगोलॉयड है मंगोलॉयड पॉइंट समझ आया तो अब एक चीज बताओ इनमें से डिफर कौन कर गया इसमें डिफर करके कौन शॉम्पेन डिफर कर गया व्हाई शॉम्पेन क्योंकि शॉम्पेन जो है मंगोलॉयड है बाकी तीन जो है आपके क्या है निग्रिटो टाइप आंसर नंबर क्या बनेगा फोर इज द करेक्ट आंसर दैट इज शॉम्पेन इज द राइट आंसर नंबर बात आ गई है इसको हम सेमीकंडक्टर गैस कहते हैं गैस फिल्ड सॉलिड चैंबर ये भी तो थ्री डायमेंशनल है डायोड जो है ना वो बेस करता है फोर्थ डायमेंशनल टेबल भी तो लोग बाद में ये है थ्री डायमेंशनल के अंदर ये प्लस हो हमारे लेकिन जो सॉलिड स्टेट कैरेक्टर है वो भी ऑप्शन है डायोड है और डायोड जो जो है उसके बाद 2015 या 17 के पेपर में एक क्वेश्चन किया जाए इसमें डायोड है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के अंदर तो इसका आंसर बताओ तुम लोग तो हमारे पास हमेशा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के अंदर डायोड को रिवर्स बायस करना है और इसमें रिवर्स बायस करना है गैमा स्क्वायर
which of the following common लेंगे तो 1 minus c square over c square position of an electron के बराबर है 1 over gamma square तो 10 power minus 4 देखिए बाहरी दबाव occurs between the which rivers दबाव वर्ड का मतलब क्या होता है दबाव रबर रिवर दबाव का मतलब होता है जहां पे दो रिवर्स दो नदियां आपस में मिलती हैं और जो भी दबाव का नाम होता है वो दो रिवर के नाम से जुड़ जाता है यहां पे क्या बनेगा बाहरी मतलब b a is व्यास r is रावी रावी और व्यास रावी और व्यास क्लियर हो गया आप लोगों को रावी और व्यास जो है रोहतांग पास स्टार्ट होती है रोहतांग पास जो कि 1 f1 f2 f3 इसके ऊपर थीन डैम देखने को मिलता है -10 के ऑर्डर ये हमारे पास जो है 10 पावर -4 जी सागर डैम जिसे हम कहते हैं और व्यास रिवर के ऊपर पोंग डैम देखने को मिलता है दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्वेक्सिटी इसमें क्या बनेगा आपका 1 इज द करेक्ट आंसर नंबर 1 उतनी 0 देखने का इक्वेशन ऑफ यूज करनी पड़ेगी ना उतनी वेवलेंथ चलिए अगला आंसर बताइए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है तो बीम जो यूज करनी होती है जो डिफ्रेक्शन बीम बहुत बढ़िया बाजी बात इसके ऋग्वेदिक नेम बता रहे हैं बच्चे वेरी गुड वेरी गुड ऋग्वेदिक नेम अगर आप बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे से पढ़े हुए हैं चाहे पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं वो जब वो यूट्यूब से मेरे से पढ़ते हैं पहले सबको रटे पड़े हैं मैं बता देता हूँ आपको कैसे रिवर रावी जो है वो पुरुषनी नाम होता है ठीक है बाकी आप इसको बताइए और अस्सी कनिक जो है वो चेनाब का नाम होता है झेलम का जो नाम होता है वो है वितास्ता और ब्यास का नाम होता है विपास बिल्कुल बहुत बढ़िया सतलज का जो नाम होता है वो है सतुद्री दीज आर द नेम ये पांच रिवर्स के नाम बच्चों ने रटे पड़े हैं मजा आ गया पढ़ के ठीक है चलिए कौन सी गैस जो है प्लास्टिक को बर्न करके जो है निकलती है वो कौन सी गैस होती है एंड दैट इज कॉल्ड डाइऑक्सिन डाइऑक्सिन का मतलब ये होता है कि जब ये गैसेस निकलेगी तो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगी ऑब्वियसली बात है और नर्वस सिस्टम में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कार्सिनोजेनिक का काम करेगी कैंसर का काम करेगी कैंसर कॉजिंग आएगी कार्सिनोजेनिक है अच्छा कैंसर का मतलब क्या होता है कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल That is uncontrolled mitosis is called cancer. Uncontrolled mitosis is called cancer. कैंसर चार डिफॉर्म क्या कहते हैं उनको लॉजी कहते हैं कैंसर कैंसर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उनको जीन्स कहते हैं ये याद रखने वाली बात है हीलियम की मैं बात करता हूं तो जैसे कि आपने ऑक्सीजन सिलेंडर देखे होंगे उसमें हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण देखने को मिलता है बाकी हीलियम जो है बैलून वगैरह में बैलून्स में आपकी हीलियम गैस भरी होती है हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर डाइऑक्सिन इज द करेक्ट आंसर क्वांटिटी दैट मल्टीप्लाइज वन वेक्टर और टू गिव अनदर नॉन पैरेलल एलिमेंट्री पार्टिकल ये आप लोगों को गदर पार्टी गदर पार्टी के हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं गदर पार्टी के हेडक्वार्टर कहाँ पे गदर पार्टी को बनाया किसने था लाला हरदयाल जी ने बनाया था लाला हरदयाल जी ने ये लाइन जो है ना और सैन फ्रांसिस्को इसके हेडक्वार्टर है यूएस में और जो है सोहन सिंह बाखना सोहन सिंह बाखना जो है ये प्रेसिडेंट थे आपके गदर पार्टी के गदर पार्टी आपकी बनी थी सैन फ्रांसिस्को यूएस में इसीलिए इसको और क्या कहते थे पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जानते हैं पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से इसको जाना जाता है इसका आंसर क्या बनेगा आपका बी ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को इज द करेक्ट आंसर दैट इज गदर पार्टी 1913 में बनी 1913 में बनी थी तो आंसर नंबर बी इज द आंसर ऑफ रैंक आर हैज 3 मतलब जीरो डायमेंशनल जीरो रैंक होगा जीरो पावर होगी तो वो स्केलर है हिमालयस का जो ओरिजिन है वो कौन से टाइम के पास देखने को आपको मिला हिमालयस का ओरिजिन ये क्वेश्चन याद करने वाला है ये हमें देखने को मिला है कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे जब फिशिस को भी देखने को आपको मिले थे फिशिस हमें देखने को मिलती इनका भी उत्पादन देखने को हमें मिला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को और अगर मैं टर्शियरी पीरियड की बात करता हूं तो यहां पे एंड ऑफ डायनासोर हुआ था नेचर ऑफ मैट्रिक्स हिमालयन माउंटेन्स जो है हमारे भारत देश के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है
दैट इज माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में देखने को हमें मिलती है और जंग फोल्ड माउंटेन जितनी भी है उनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट होती चली जा रही है वहां पे। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8.84। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम है यहाँ पे, तो कौन सी रॉन्ग पेयर है यहाँ और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। कर सकते ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो मॉन्ट्रियल हेडक्वार्टर है इनकी, ये भी आपका सही है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ के हेडक्वार्टर रोम में है, ये गलत है। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंतर्गत देखने को WHO लंदन के अंतर्गत है, ये भी गलत हो गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जिनीवा में देखने को हमें मिलते हैं, तो ये सी और डी दोनों ही आपके गलत ऑप्शन है। अगला बताइए शाबाश। अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमर्स हाउ मेनी गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स, कितने गैलेक्सीज आपको देखने को मिलती हैं यूनिवर्स के अंतर्गत, कितने गैलेक्सीज? पहली बात तो मैं गैलेक्सीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलते हैं और गैलेक्सी बनाई जाती है। जैसे कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है, उसमें हम कहते हैं दैट इज मिल्की वे। मिल्की वे इज अवर गैलेक्सी और मिल्की वे की हमारी गैलेक्सी है और इसके नजदीक एक गैलेक्सी है दैट इज एंड्रोमेडा। हमारे सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, दोनों स्पाइरल शेप की देखने को हमें मिलती है, ये याद रखना है। गैलेक्सी कितनी है हमारी? 10 की पावर 11 गैलेक्सी है, 100 बिलियन है और 10 की 11